बनाया पिता परमेश्वर, जैसे दिन पर प्रभुता करने के लिए आपने सूर्य को बनाया और रात पर प्रभुता करने के लिए आपने चांद तारों गण को परमेश्वर आपने बनाया। प्रभु आपने आकाश गण में छोटी छोटी बड़ी बड़ी ज्योतियां स्थित कर दी मेरे परमेश्वर पिता। आपने प्रभु जी पृथ्वी और पृथ्वी के ऊपर तरह तरह के पिता परमेश्वर फलदार फूलदार छायादार वन वृक्ष पिता परमेश्वर आपने उत्पन्न कर दिए। आपने तरह तरह के जीव जंतु दौड़ने वाले रेंगने वाले चलने वाले विशालकाय जानवर और आकाश में उड़ने वाले सुंदर सुंदर पंछी को पिता परमेश्वर आपने बनाया। आपने समुद्र और समुद्र के जलचर जीव जंतु छोटी बड़ी मछलियां तरह तरह के जीव पिता परमेश्वर आपने बनाया। आपने हम सबको बनाया पिता परमेश्वर, आपने मनुष्य को बनाया आदम को बनाया नर और नारी करके पिता परमेश्वर कहा। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, हे पिता परमेश्वर आपने हमको बनाया है प्रभु हम और हमें पिता परमेश्वर आपने जीवन का श्वास दिया है प्रभु हमको पिता आपने आत्मिक प्राणी बनाया है प्रभु। अब इस देह से पिता परमेश्वर हम आपके नाम की स्तुति और महिमा करेंगे प्रभु। आपने हमें जो जीवन का श्वास दिया मेरे परमेश्वर पिता, हम जब तक इस पृथ्वी पर बने रहेंगे प्रभु तब तक आपकी महिमा करते रहेंगे। मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता रहे, मेरी आत्मा परमेश्वर पिता की महिमा करने वाली बने। पिता हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। पिता हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, लिखा है मेरे परमेश्वर पिता जहाँ 2 से 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हमारे पिता परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है, हम उस जीवित और सामर्थ्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के सामने सिर झुकाते हैं और धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर हम आपको आदर और महिमा देते हुए धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। स्वीकार करें मेरे परमेश्वर पिता, स्वीकार करें मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। स्वीकार करें मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य करे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को न भूलना, वही तो मेरे सारे अधर्म को क्षमा करता, मेरे सब रोगों को चंगा करता, वही तो मेरे प्राण को निश्चित बचा लेता और मेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हे पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जब तक प्रभु इस देह में इस डेरे में इस शरीर में बना रहूंगा तब तक प्रभु आपका महिमा और आपकी स्तुति का भजन गाता रहूंगा। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं इस स्थान से प्रभु जी, इस स्थान में जहाँ आपकी उपस्थिति है मेरे परमेश्वर पिता, वहाँ अंधकार नहीं है, जहाँ ज्योति है वहाँ प्रकाश है मेरे परमेश्वर पिता, और जहाँ प्रकाश है मेरे परमेश्वर पिता वहाँ अंधकार नहीं है, अंधेरा नहीं है मेरे परमेश्वर पिता, और जहाँ परमेश्वर पवित्र आत्मा है वहाँ गंदी आत्मा नहीं है, अशुद्ध आत्मा नहीं है, बुरी आत्मा नहीं है मेरे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं हर एक गड़बड़ी पैदा करने वाली अंधकार की शक्तियाँ, भयभीत करने वाली अंधकार की शक्तियाँ, गुमराह करने वाली, लड़ाई झगड़ा करने वाली, मसीह के विरोध में उठने वाली गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। अशुद्ध आत्माएं दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, अशुद्ध आत्माएं दूर हो जाए आउट नेम ऑफ द जीसस यीशु मसीह के नाम से। इस पवित्र भवन में रहने का अधिकार नहीं है और न किसी के देह पर रहने का अधिकार है, परमेश्वर का सब मंदिर है, परमेश्वर के सब पवित्र घर है, परमेश्वर के पवित्र भवन में सब आए हुए हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जो भाई बहन आ रहे हैं प्रभु जी, उनको पिता परमेश्वर आपके स्वर्ग दूत प्रभु सुरक्षित लेके आए मेरे परमेश्वर पिता, और प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका आत्मा सबके मनों को अगुवाई करे और सबको पिता परमेश्वर अपनी आत्मा के अगुवाई के द्वारा पिता परमेश्वर स्थिर और मजबूत कर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं हम सबको पवित्र आत्मा आपके आपके सामर्थ्य में और आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। सारा जलाल और महिमा आपको देते हैं, आपकी महिमा आपकी प्रशंसा आपकी बड़ाई आपकी शान के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको पिता सारा जलाल और महिमा देते हुए इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय।
बिल्कुल आनंदित है ना, प्रभु में आनंदित है। हालेलुया, प्रभु ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ आनंदित रहो, और फिर मैं तुमसे कहता हूँ सदा आनंदित रहो। हम सबको आनंद में रहना। हालेलुया, सबको जय यीशु की, जय यीशु। सबको हैप्पी पलम संडे। आज रविवार का जो दिन है वो फजूल इतवार के रूप में हम मनाते हैं प्रभु के भवन में, और साल भर बाद ये त्योहार आता है। तो आज हम खुदा के इस त्योहार को क्यों मनाते हैं, तो आज हम लोग वचन के द्वारा सीखेंगे भी। तो आइए हम सभी लोग आराधना में जाकर गीतों के द्वारा नाचते झूमते गाते परमेश्वर की महिमा करेंगे और तालियां बजा के प्रभु को महिमा देंगे। हालेलुया, हालेलुया। Thank you.
आइए हम सब जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है भजन इफिसियन पुस्तक 5:19-20 वचन प्रभु ने कहा कि तुम आपस में भजन गाया करो और स्तुति किया करो और आत्मिक गीत गाया करो और सब कुछ अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद किया करो। हालेलुया। तो आइए, परमेश्वर ने अपने वचन को हम सबको एक आज्ञा दिया है, एक आज्ञा के द्वारा एक अधिकार दिया है, उस अधिकार को हम सब लेंगे और हम सब परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे। हालेलुया। और जब उसके आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे तो उसके संतान, उसके अर्थात बेटे बन जाएंगे, और जब उसके बेटे बन जाएंगे तो उसके हम वारिस बन जाएंगे। हालेलुया। और वारिस वो होता है जो पिता अपने धन अपनी संपत्ति पर उसको अधिकार देता है, वो अधिकार हम सबको लेना है। हालेलुया। तो हम सब तैयार है ना? आइए अपने मनों को तैयार करें और परमेश्वर के सामर्थ्य आत्मा में एक हो जाए। हालेलुया। अपने मनों को तैयार करें, अपने आंखों को बंद करें और उसकी आत्मा में एक हो जाएं और परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर को पुकारें, क्योंकि लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात वे न तो मनुष्य की इच्छा से और न शरीर की इच्छा से न लहू की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। हम सबको उसी के द्वारा उत्पन्न होना है, उसी के आत्मा के द्वारा नया जन्म लेना। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन, मेरे परमेश्वर के नाम। प्रभु अपनी आत्मा से हर एक को भर, हर एक को अपनी आत्मा से भर और हर एक को प्रभु अपने मार्ग पर चलाने के लिए हम सब की अगुवाई कर। प्रभु हम सबको पिता परमेश्वर जो अंधकार में अंधेरे में चलते हैं, हम सबको पिता परमेश्वर वो ज्योति दे मेरे प्रभु, ताकि उस ज्योति में हम सब चले और प्रभु जी ठोकर ना खाएं प्रभु जी, और इस ज्योति में चले प्रभु जी, और ज्योति में चलते जाएं प्रभु जी, चलते जाएं पिता, और हम तेरी आत्मा में होकर प्रभु जी चलने वाले बने पिता। हम इस शरीर के द्वारा नहीं परंतु आत्मा के द्वारा चलेंगे, क्योंकि लिखा है जब तुम शरीर के द्वारा चलोगे तो मरोगे और आत्मा के द्वारा चलोगे तो जियोगे। हालेलुया। हम जीना चाहते हैं प्रभु जी, हम अनंत जीवन पाना चाहते हैं प्रभु जी, हम आपको देखना चाहते हैं प्रभु जी, हम आपके स्वर्ग राज्य में पिता परमेश्वर प्रभु जी रहना चाहते हैं, वहाँ पर पहुँचना चाहते हैं प्रभु जी, हम वहाँ के वारिस होना चाहते हैं मेरे प्रभु जी। आप हम सबको पिता परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा, पिता परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा नया जन्म दे मेरे खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको पुकारते हैं मेरे परमेश्वर पिता, हम दोनों हाथ उठा के आपको पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं।